हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स थ्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोला जाता है। मतलब अगर फोर्स लगे और किसी चीज़ को गोल गोल घुमा दे, रोटेट कर दे, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। तो सर कितना आसान टॉपिक है ना, तुरंत समझ में आ गया कि अगर कोई फोर्स किसी चीज़ को गोल घुमा रहा है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, फोर्स को टॉर्क नहीं बोलते, फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला कुछ और आएगा। ठीक है, टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो पहले देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज को रोटेट करना है तो हम उस पर कैसे फोर्स लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल सोचने के लिए, अगर आपने कोई टेबल फैन कभी यूज किया है तो उसके बारे में सोच सकते हो, या फिर आपके घर के रूफ पर जो फैन लगा होता है, नॉर्मल फैन, उसके बारे में भी सोच सकते हो। मैंने आपको बोला फैन की तरफ देखो, ऊपर देखो, ठीक है, और इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? सर क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो मैं इस फैन के कॉर्नर पर उंगली रखूंगा और हल्का सा इसको पुश कर दूंगा। जैसे ही मैं हल्का सा पुश करूंगा, फैन रोटेट होने लग जाएगा। इसके लिए फिजिक्स आने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज समथिंग वी ऑल नो फ्रॉम कॉमन सेंस कि अगर फैन को रोटेट करना है तो फोर्स हल्का सा टिप पे रखो और पुश कर दो, फैन रोटेट हो जाएगा। पर अब अगर मैं बोलूं कि बेटा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, आपको फिर से फैन को रोटेट करना है, लेकिन आप फोर्स मिड पॉइंट पे लगाओ, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है सर, मिड पॉइंट पर फोर्स लगा देते हैं, हम फोर्स लगाएंगे, फैन रोटेट हो जाएगा। अब सोचो कि अगर तुम्हें एंड पॉइंट पर फोर्स लगाना है और मिड पॉइंट पर फोर्स लगाना है, तो किस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? हो सकता है तुम्हें लगे कि सर सेम ही फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको तो लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और सोचो, अगर मैं बोलूं कि आपको फोर्स लगाना है एकदम पास में, यहां पर, अब आपको रोटेट करना है फैन को, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम फोर्स लगाना पड़ेगा? बोले सर हमने कभी फैन को रोटेट किया ही नहीं और टेबल फैन तो है ही नहीं हमारे पास, हम नहीं सोच सकते। तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी सोचा जा सकता है। मान लो ये एक डोर है, ठीक है, डोर सबने खोले, इस डोर को आपको ओपन करना है, ठीक है, ओपन कर सकते हो इस तरीके से, इसको धक्का मार के ये अंदर की तरफ ओपन होता है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके एंड पॉइंट पे फोर्स लगाओ, तो ले सर वो तो बहुत आसान काम है, हम डेली करते हैं, एंड पॉइंट को ऐसे हल्का सा पुश करते हैं और डोर ओपन हो जाता है। पर फिर मैं बोलूं कि बेटा यही फोर्स एंड पॉइंट पे मत लगाओ, आप जहां पर ये जिस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, एकदम उसके पास में जाके फोर्स लगाओ, उसके पास में खड़े होकर फोर्स लगाओ, फिर देखो डोर कितना रोटेट होता है। तो अगर तुम इसमें या इसमें से कोई भी काम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब हम पास में फोर्स लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है गेट ओपन करने के लिए। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, गेट वाला, फैन वाले के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, पर गेट वाले के लिए, तुम गेट को ओपन करने के लिए दूर फोर्स लगाने की बजाय एकदम पास में, जहां पर गेट फिक्स होता है उसको हिंजिस बोलते हैं, हिंजिस के पास में फोर्स लगाओ गेट को ओपन करने के लिए, और तुम देखोगे कि अरे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। एक और एग्जांपल दूं, मान लो मैं तुमको बोलूं कि बेटा तुम इस फैन को सिर्फ मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टच कर सकते हो, मिड पॉइंट पे टच कर सकते हो अपनी फिंगर से, वही एक फिंगर जो यहां पर लग के इसको रोटेट कर पा रही थी, मिड पॉइंट पे एकदम जीरो डिस्टेंस पे टच कर सकते हो, अब इसको रोटेट करके दिखाओ, तो तुम फैन पे उंगली लगाओगे और शक्तिमान बन जाओगे। शक्तिमान देखा तुमने? नहीं देखा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम फैन पे उंगली लगाओ मिड पॉइंट पे और घुमाते रहो उंगली, फैन रोटेट नहीं होगा, बहुत देर लगे रहोगे, फैन रोटेट नहीं होगा, होगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट, वो भी तब जब तुम्हारी फिंगर सेंटर से इधर उधर खिसक जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ फोर्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इस चीज पर डिपेंड करता है कि फोर्स आपने किस डिस्टेंस पे लगाया है,
जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाह रहे हो, फैन किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है, मिड पॉइंट के अबाउट। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है टॉर्क, एक फोर्स कितना है, दूसरा फोर्स किस डिस्टेंस पे है। अभी के लिए वो डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर अगर फोर्स लगाया है तो टॉर्क आर पर भी डिपेंड करेगा और एफ पर भी डिपेंड करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनते रहना। अच्छा, तो एंड पॉइंट पर फोर्स लगाए तो फैन फट से रोटेट हो जाएगा। तो फिर एंड पॉइंट पर फोर्स लगा दिया मैंने, पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एंड पॉइंट पर पंखुड़ी को पकड़ो फैन की जो होते हैं और उसको बाहर की तरफ खींचो। सर पागल हो गए क्या, ऐसे कैसे फोन रोटेट होगा, इससे तो ज्यादा ताकत लगा दी तो ये टूट के और हाथ में आ जाएगा आपके। अरे यहां कुछ गड़बड़ होगी, लेट्स थिंक अबाउट दिस डोर। तुमने बोला था एंड पॉइंट पर फोर्स लगाने से आराम से रोटेट हो जाता है, एंड पॉइंट को पकड़ के यहां पर हिंजेस है, उसको ऐसे रोटेट कर सकते थे अंदर बाहर, एंड पॉइंट पर पकड़ के इधर की तरफ खींच रहे, ठीक है, हैंडल को पकड़ के रोटेट आगे पीछे करने की बजाय उसको बाहर की तरफ खींचो। तो सर फिर से डोर रोटेट नहीं होगा, ये आप क्या कर रहे हो, एंड पॉइंट पे फोर्स लगाना है, पर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में थोड़ी फोर्स लगाने लगोगे, थोड़ा सोच समझ के सही डायरेक्शन चूज करके फोर्स लगाओ। अगर फोर्स बॉडी को रोटेट करना चाहता है तो वो एक्सिस से दूर नहीं खींच सकता बॉडी को, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, उससे दूर डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो उसको खींच लेगा। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते चले जाओगे, मान लो तुम में अंडरटेकर जितनी ताकत है, अंडरटेकर भी नहीं जानते हो तुम, ड्वेन जॉनसन जैसी ताकत है रॉक वाली, ठीक है, अगर इसको बाहर की तरफ खींच रहे हो और बहुत ज्यादा ताकत लगा दी तो इन हिंजिस से ये गेट बच्चों उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन रोटेट नहीं होगा, ठीक है। हिंजिस टूट जाएंगे पर ये फोर्स रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब एक और चीज मिस करी हमने, टॉर्क जो है वो फोर्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है, यस, फोर्स की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यस, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि ये जो जिस डिस्टेंस पर है, ठीक है, जिस पोजीशन पर हम फोर्स लगा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो जिस पोजीशन पर हम फोर्स लगा रहे हैं वहां पर उसकी डायरेक्शन क्या है। समझ में आई बात, टॉर्क जो है किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, फोर्स कितना है, ऑब्वियसली बात, फोर्स कितना लगा रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रोटेट कर पाओगे, फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हो फ्रॉम द पॉइंट, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तीन चीजों पर टॉर्क डिपेंड करता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला हम थोड़ी देर में देखेंगे आएगा निकल के, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू जिस डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। मतलब सर क्या हम ये फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। लेट्स से मैंने फैन के इस पॉइंट पर फोर्स लगाया आगे की तरफ, ठीक है, डिराइव तो हम कर ही सकते हैं खुद से, एक ही लाइन का डेरिवेशन है, और ये हो गया क्या, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है विद रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, यहां से यहां का पोजीशन वेक्टर हो गया, तो फोर्स आगे लगा रहे और इन दोनों के बीच बच्चों मान लेते हैं एंगल है थीटा, ओके, थीटा एंगल है, कोई भी एंगल अज्यूम कर सकते थे, थीटा एंगल अज्यूम कर लिया। तो तुम लोगों को पता है ना कि किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक पोजीशन वेक्टर के पैरेलल, एक उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो फोर्स के दो कंपोनेंट आए, इस तरफ वाला कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, बच्चों याद कर लो, समझ लो, रट लो कि एडजेसेंट वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो एफ कॉस थीटा, और दूर वाला कंपोनेंट हमेशा एफ साइन
थीटा। हमेशा किसी भी फोर्स को, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी लेंथ है स्मॉल ए और इसका एंगल है थीटा विद एक्स एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। इसको ना याद कर लो, समझ लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लो, उसमें बताया। तो अब तुम लोग सोचो कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स इसको रोटेट करेगा और कौन सा फोर्स इसको उस पॉइंट से सिर्फ दूर खींच रहा है, रोटेट नहीं करेगा। तो तुम खुद से बता दोगे सर ये फोर्स रोटेट नहीं करेगा, ये फोर्स रोटेट करेगा। तो फॉर्मूले में कौन होना चाहिए? एफ साइन थीटा। और फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? आर। तो इस हिसाब से टॉर्क का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या है? एफ आर साइन थीटा। मैं इसको और क्लियरली बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला है एफ आर साइन थीटा। एक और चीज, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी एक डायरेक्शन होती है जिसको हम एन कैप लिख देते हैं। अभी के लिए इतना बता देता हूं कि हमने जो टॉर्क लगाया वो इसको कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। तो अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज आती है, क्या आती है? क्लॉकवाइज। तो क्या अभी के लिए बस इतना समझ लो कि टॉर्क जो है वो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। डायरेक्शन हम खुद से निकालना सीखेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि टॉर्क जो है एफ आर साइन थीटा, इसका फर्दर फॉर्मूला इज आर क्रॉस एफ। मैथमेटिकली ये तो लॉजिकली निकाला हमने फॉर्मूला, दिस इज करेक्ट, बट इसका एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आपको ये याद रखना है, इसको ओपन करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा। इसको जब भी ओपन करोगे तो वो अपने आप एफ आर साइन थीटा ही बनेगा। ये लॉजिकली निकाले। और ये कहाँ से आया बच्चों? दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ टॉर्क। इट इज डिफाइंड एज, टॉर्क इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है आर क्रॉस एफ। जिस फोर्स का टॉर्क निकालना है, एक तो फोर्सेस टॉर्क लगाते हैं, दूसरा फोर्सेस का टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। हवा में नहीं बोल सकते इस फोर्स का टॉर्क ज़्यादा है इसका कम है। ये देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट होने वाली है, उसके अबाउट फोर्स का टॉर्क निकालते हैं। तो इस केस में हमने टॉर्क निकाला अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, जिस पर हिंज था फैन, उस पॉइंट के अबाउट जो फिक्स था, जो मूव नहीं हो सकता, उसके अलावा बाकी पूरा फैन मूव हो सकता है, वो पॉइंट मूव नहीं हो सकता। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, द फॉर्मूला इज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ हमें क्या डायरेक्शन देगा? अब देख लो एंटी क्लॉकवाइज वाली बात जो मैं बताना चाह रहा था। आर क्रॉस एफ, जब भी आपको बच्चों दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, राइट हैंड की फिंगर्स को, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपने पाम को ले जाओ। मतलब सर पाम मतलब ये, ठीक है? तो पाम फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो और पाम को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब ये हो गया आपका पाम से निकलता हुआ कौन हो गया? फोर्स वेक्टर, एफ वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, एफ वेक्टर, और फिर फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करो। जैसे ही आप फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करोगे, थंब आपको क्या बता देगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहां पर आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या आई? इन टू द प्लेन। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या आई? इन टू द प्लेन। हमने अभी अभी बोला था कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है टॉर्क, और क्लॉकवाइज की क्या डायरेक्शन आई? इनटू द प्लेन। तो बच्चों ये भी एक्सियल वेक्टर होता है। अगर टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई, ठीक है, इफ इट इज क्लॉकवाइज, तो आप इसको कौन सी डायरेक्शन बोलोगे? इनटू द प्लेन। कैसे बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो, किधर आएगा? अंदर की तरफ थंब आएगा। अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आता है
ठीक है, किसी केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा कोई टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप फिंगर्स को रोटेट करोगे इस तरीके से, रोटेट करके देखो खुद से, ठीक है, इस तरीके से जब रोटेट करके देखोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो इतना याद रखना है, याद रख लो, वैसे आदत पड़ जाती है, और जो कॉमन सेंस है वो हमेशा आपको सही बताएगा कि क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। इवन इफ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता, आप कॉमन सेंस से हमेशा बता पाओगे कि ये टॉर्क क्लॉकवाइज है और ये वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसको भी यूज करेंगे, कॉमन सेंस ऑलवेज विंस, ठीक है, फिजिक्स में कॉमन सेंस हमेशा ज्यादा काम आता है। इनटू द प्लेन बच्चों कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस के कैप। आउट ऑफ द प्लेन कौन सी डायरेक्शन होती है, प्लस के कैप, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, अगर कभी आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा टॉर्क तो, अदरवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विल हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, टॉर्क इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, एफ आर साइन थीटा आर क्रॉस एफ, और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन प्लस के कैप। आगे पूरी बात समझ में, फटाफट नोट डाउन करो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बच्चों, द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू टेल यू अबाउट इज कि इक्विलिब्रियम जो हमने पहले भी पढ़ा था, हमने इक्विलिब्रियम सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि इफ समथिंग इज इन इक्विलिब्रियम उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया कि भाई नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन उस फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट भी जीरो होना चाहिए। तो फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, आपको अगर कोई बोले कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके दो मतलब निकालने हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है यानी नेट फोर्स भी जीरो है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है यानी नेट टॉर्क भी जीरो है। अब से आपके पास एक की जगह दो इक्वेशन आ जाया करेंगी, एक इक्वेशन नेट फोर्स जीरो करने की और एक इक्वेशन नेट टॉर्क जीरो करने की, ठीक है। तो अब हमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। डेफिनेशन पढ़ लो, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एज वेल एज, ये ऐड हो गया, एज वेल एज द नेट टॉर्क ऑन इट इज जीरो। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, ओके। तो कोई एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने पहले कि बच्चों एक रॉड है, उसको मिड पॉइंट के अबाउट मैंने टिका दिया एक ट्राइंगुलर वेज पर, ठीक है, एक सपोर्ट पर, एक सपोर्ट पर मैंने एक रॉड को टिका दिया। रॉड का मास m है, लेंथ l है। अगर मैं इसे मिड पॉइंट के अबाउट टिकाऊंगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टिकाऊंगा, तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। कैसे पता है हम दोनों को कि सर इस पर, इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, इसके मिड पॉइंट पर क्या लगाते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और आपने सर मिड पॉइंट पर ही इसको हिंज कर दिया तो ऊपर की तरफ हिंज फोर्स या सपोर्ट का फोर्स जो भी है वो नॉर्मल रिएक्शन जैसा होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा, ठीक है, हिंज फोर्स भी बोलते हैं कई बार, ओके, जिस पॉइंट पर हिंज कर देते हैं, टिका देते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो सकती है। तो कंफ्यूज मत होना सर, नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकती थी, किसके अबाउट, जहाँ पे हिंज कर रखा, जहाँ पे टिका रखा है उसके बाद रोटेट हो सकती थी, दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क जीरो है सर। तो क्यों जीरो है, तो तुम बोलोगे सर हमने आज ही पढ़ा कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, क्या होता है, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम R जो है वो उस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही हो, और यहाँ पर डिस्टेंस जीरो है, ये रोटेट इसी पॉइंट के अबाउट हो सकता था और दोनों के दोनों फोर्स वहीं लगा दिए। तो अगर मैं ग्रेविटी का टॉर्क लिखूँ, टॉर्क ऑफ mg
तो mg इंटू जीरो हो जाएगा, और अगर मैं टॉर्क ऑफ सब नॉर्मल रिएक्शन लिखूं तो n इंटू जीरो हो जाएगा। तो सर कोई टॉर्क ही नहीं है इस केस में, नॉर्मल और mg एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और ये ना रोटेट होगी और ना नीचे की तरफ ट्रांसलेट होगी। समझ में आई बात? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को टिकाना है एक पॉइंट पर सच दैट वो इक्विलिब्रियम में बनी रहे, तो आप किस पॉइंट पर टिकाओगे? उसके सेंटर ऑफ मास पर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ मास पर टिकाओगे तो वो इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। ओके, पर ये एक केस हो गया। व्हाट इफ दूसरे केस में मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो चाहता था कि मैं रॉड को इस तरह से रखूं। सर ये क्या किया आपने कि भाई मैं चाहता था कि उसका सेंटर ऑफ मास इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से, जहां पर नॉर्मल लगता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हो, लेट से एल बाई फोर डिस्टेंस पर हो। अब क्या करा जाए? क्या अभी भी इक्विलिब्रियम में होगा? तो तुम बोलोगे सर डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकती है रॉड, नॉर्मल ऊपर इसी पॉइंट पे लग रहा है लेकिन एम जी यहां पे लग रहा है, और अगर एम जी यहां पे लग रहा है तो इस बार एम जी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं है। अगर एम जी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो इस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट ये टिका हुआ था, इसके अबाउट एम जी क्या कर देगा? इसको सर क्लॉकवाइज घुमा देगा। ग्रेविटी जो है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमा देगी रॉड को। तो अगर ग्रेविटी क्लॉकवाइज घुमा रही है और आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं एक फोर्स लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा देता हूँ। अब तुम खुद से सोचो वो फोर्स मुझे किस तरफ लगाना चाहिए, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? तो थिंक केयरफुली, अगर मैं फोर्स नीचे की तरफ लगाता हूँ तो ये वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसको नीचे की तरफ, तो फिर ये दोनों टॉर्क एडअप हो जाएंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो फोर्स लगाऊं वो ऊपर की तरफ लगाऊं। अगर मैंने फोर्स लगा दिया किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक वेरी केयरफुली एंड थिंक इंडिविजुअली। एक साथ सारे फोर्सेस का टॉर्क देखने की कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है? एक बार में जिस पॉइंट के अबाउट भी तुम करना चाहते हो, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो सकती है, अगर हिंज्ड है बॉडी तो हमेशा हिंज के अबाउट सोचो, सोचना आसान पड़ता है। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज्ड है, अगर सिर्फ ग्रेविटी उसको रोटेट करती तो किस तरफ रोटेट करती? सोचो सिर्फ ग्रेविटी के बारे में, क्लॉकवाइज दिख जाएगा तुमको। और अगर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया है वो रोटेट करता तो किस डायरेक्शन में रोटेट करता? फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, सिर्फ यही वाला फोर्स होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता। तो अगर मैं पूछूं कि कितना फोर्स लगाने से ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, तो तुमको क्या करना है? सर नेट फोर्स तो जीरो होता ही था, अब नेट टॉर्क भी जीरो करना है। और जब भी हम टॉर्क जीरो करेंगे तुमको मेंशन करना होगा कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट जीरो लिख रहे हो, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। द गुड थिंग इज किसी भी पॉइंट के अबाउट करो आंसर सेम आएगा, आंसर सही आएगा। तो हमेशा अगर बॉडी किसी एक पॉइंट पर हिंज है या टिकी हुई है उस पॉइंट पर, तो हिंज के अबाउट टॉर्क लिखना इज अ वेरी गुड आइडिया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि बॉडी किस पॉइंट के अबाउट हिंज है, किसके अबाउट रोटेट करेगी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। ओके, तो हिंज के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। हिंज पॉइंट मतलब बच्चों ये वाला पॉइंट, पी पी पी, ये वाला पॉइंट। तो पी के अबाउट पहले किसका टॉर्क लिखना है? एम जी का। फिर किसका लिखना है? एक्सटर्नल फोर्स का। तो बच्चों जब भी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करना है तो ईजीएस्ट तरीका है कि क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, इज इक्वल्स टू कर दो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा देखना आसान होगा। एम जी का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो वो इस तरफ आ जाएगा। कितना आएगा? एम जी इंटू
आर ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, एल बाई फोर, एम जी इंटू एल बाई फोर इंटू साइन 90 डिग्री। बच्चों यहाँ से आर वेक्टर ऐसा होगा और एम जी जो है नीचे की तरफ है, तो एम जी इंटू एल बाई फोर इंटू साइन 90 होता है 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, आर वेक्टर के ऑलरेडी परपेंडिकुलर, साइन 90 की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट करना चाह रहा है, ये वाला फोर्स एफ, और ये कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों, ये एल बाई फोर दिया हुआ है क्वेश्चन में और सेंटर ऑफ मास से दूसरा एंड एल बाई टू पर होगा, तो ये आ जाएगा 3L/4। तो ये हो गया एफ इंटू 3L/4 और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा कि आपको सिर्फ एम जी बाई 3 फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनमें ये पूछा जाएगा ये फोर्स कितना है अगर इक्विलिब्रियम में है, वो फोर्स कितना है इक्विलिब्रियम में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेसिक वाला मैंने बताया, इसको नोट डाउन करो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। एक आदमी एक रॉड के ऊपर खड़ा हुआ है, बैलेंस्ड है सिस्टम, जबकि रॉड जो है वो अपने मिड पॉइंट पर सपोर्टेड नहीं है। रॉड कहाँ है, लेफ्ट साइड पॉइंट पर, मतलब सेंटर ऑफ मास से स्लाइटली लेफ्ट पॉइंट पर सपोर्टेड है। और फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कैलकुलेट एम बाई एम, दोनों के मास रेशियो बताओ सो दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एम बाई एम का क्या रेशियो होना चाहिए। हो सकता है उसकी जगह पूछ ले, एम की वैल्यू दे दे और कैपिटल एम की वैल्यू पूछ ले। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम ईजीली कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जितने फोर्स तुमको समझ में आए रॉड पर सारे के सारे लगा दो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहला फोर्स कौन सा लगाएंगे हम, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लगाएंगे, उसके सेंटर मास, एकदम मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दो। फिर कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इस जगह पर सपोर्टेड है, इस पर टिका हुआ है, टिका हुआ है तो मतलब यहां से एक फोर्स कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। जिस पॉइंट पर सपोर्टेड है, जिस पॉइंट पर हिंज है, वहां पर कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हिंज नहीं है लेकिन हिंज समझा जा सकता है, अगर रोटेट होगी बॉडी तो उस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट होगी, ठीक है। और लास्ट जो बंदा ऊपर खड़ा है उसके पैरों से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। उसके पैरों से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इस केस में कितना होगा, कैपिटल एम जी ही होगा। तो मैं डायरेक्टली कैपिटल एम जी लिख रहा हूँ, हालांकि ये उसके पैरों और रॉड के बीच, उसके फीट और रॉड के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम जी। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई रखते हुए स्मॉल एम जी, कैपिटल एम जी और नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, एक इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम, हमारे पास टोटल दो इक्वेशन है, एक है नेट फोर्स जीरो की और एक है नेट टॉर्क जीरो के, ठीक है। ऑफकोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है, तो पहले तुम लोग मुझे बताओ कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे तुम। अगर किसी चीज पर नेट फोर्स जीरो है तो ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, समझ में आई बात, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। दिस इज द प्लेन कॉमन सेंस कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा, इज दैट क्लियर। दूसरी चीज, नेट टॉर्क भी जीरो है, अगर नेट टॉर्क भी जीरो है तो हम लिख सकते हैं नेट टॉर्क, लेकिन नेट टॉर्क हमेशा किसी एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो लिख रहे हैं, तो उसमें मैंने बोला है तुम सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हो, हिंज भी ले सकते हो, एक साथ दोनों मत सोचना, इस केस में हिंज के अबाउट लिख लेते हैं। और जैसे ही तुमने बोला कि हिंज के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे, तो एक एक करके बच्चों, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करना पड़े रॉड, ठीक है, पर एक एक करके तीनों फोर्स के बारे में सोचना।
तीनों फोर्स के बारे में अगर अलग अलग सोचोगे ना, कोई चांस ही नहीं कि तुमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए। ठीक है, तीनों के बारे में सेपरेटली सोचना जब सीख रहे हो, एटलीस्ट तब। ये हिंज है, ठीक है, मान लो ये हिंज है, ये हिंज है, ये पॉइंट फिक्स नहीं हो रहा, इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे, ठीक है, इसके अबाउट खुद नॉर्मल रिएक्शन का, हिंज फोर्स का, इसको हिंज फोर्स भी बोलते हैं, जहाँ पर टिका हुआ है वहीं से कितना फोर्स लग रहा है, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो उसी पॉइंट पे लग रहा है, ये बॉडी को रोटेट नहीं करेगा, लेकिन बाकियों के लिए सोचना पड़ेगा। एमजी अगर सिर्फ ग्रेविटी लग रही होती और यहां पर हिंज होता तो क्या करते? तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता, क्लॉकवाइज रोटेट करता, तो इसका टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज है। और लास्ट कैपिटल एमजी, वो जो एक्सटर्नल जो आदमी खड़ा है उसका वेट, कैपिटल एमजी कैसा रोटेट करता है इसको सोचो, बड़े आराम से, आहिस्ता से, बॉडी यहाँ पर हिंज्ड है, ठीक है, बॉडी हिंज्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, कैसे रोटेट होगी? ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कैसा रोटेशन होगा? ये नीचे, ये ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना ही काम था बच्चा, बस इतनी सी मेहनत थी। नेट टॉर्क जीरो के लिए हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क किस कौन लगा रहा है? एमजी, तो एमजी स्मॉल एमजी इनटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक इन दिस क्वेश्चन इज दिस, कि ये वाली डिस्टेंस आप गलत कैलकुलेट कर जाओ, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इसको मैं x लिख रहा हूँ, ये x की वैल्यू चाहिए मुझे, ध्यान से देखें, ये टोटल डिस्टेंस mg की दूसरे एंड पॉइंट से होगी l बाई टू, टोटल डिस्टेंस l बाई टू है, ये वाली डिस्टेंस l बाई थ्री है, तो x कितना बचा? फिर से बोलूँ, टोटल सेंटर ऑफ मास की एक एंड पॉइंट से डिस्टेंस होगी l बाई टू, ये वाली डिस्टेंस है l बाई थ्री, तो ये कितना बचा? तो आंसर आना चाहिए x इज इक्वल टू एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री। तुम पहले नहीं हो जिससे ये गलती हुई और तुम आखिरी भी नहीं होगे, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी मिस्टेक होनी चाहिए, तुम इसके बाद दोबारा ये एल बाई थ्री एल बाई सिक्स का गड़बड़ नहीं करना। एल बाई सिक्स एम जी इंटू एल बाई सिक्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कौन टॉर्क लगा रहा है? कैपिटल एम जी, तो कैपिटल एम जी इंटू कैपिटल एम जी की डिस्टेंस इससे कितनी है हिंज से? L by 3, तो L by 3। बच्चों इससे आंसर आया M by M की वैल्यू होनी चाहिए 2:1। ओके, एक बार ध्यान से देख लूँ, हाँ M by M की वैल्यू आ रही है 2:1। दिस इस रेशियो के लिए ये सिस्टम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये रेशियो होगा तो टॉर्क बैलेंस होगा, टॉर्क बैलेंस होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया तो नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा बस इस पर, वो खुद से ट्राई करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक की जगह दो सपोर्ट्स बना दिए, ठीक है। रॉड अब एक की जगह दो सपोर्ट्स पर है, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, ठीक है। दोनों से एक एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक इधर से ऊपर एन वन और एक इधर से ऊपर एन टू। अगर सिर्फ रॉड रखी होती तो दोनों n1 n2 की वैल्यू mg by 2 आती, ठीक है। सिमेट्री इतनी अच्छी है कि दोनों तरफ से नॉर्मल की वैल्यू सेम आती अगर सिर्फ रॉड होती, लेकिन सिर्फ रॉड नहीं है, रॉड के ऊपर देर इज अ पर्सन स्टैंडिंग और पर्सन का मास है 2m। ओके, तो अब आपकी सिर्फ रॉड नहीं है, रॉड भी है और एक पर्सन भी है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पर्सन की वजह से, और वो सिमेट्री से नहीं खड़ा हुआ, एक साइड खड़ा हुआ है, दोनों जगह से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। ओके, अलग अलग वैल्यू आएगी, और अपना काम क्या है? कैलकुलेट एन वन एंड एन टू। हमें दोनों में से कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा सकता है, तो हम दोनों कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इस पर ये तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक पहले ही बताया था, फिर एक क्वेश्चन लिया था, और फिर एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो पेशेंटली वीडियो को पॉज करके इट इज टाइम टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद अपन देखेंगे कि नेट फोर्स की क्या इक्वेशन बनेगी और नेट टॉर्क की क्या इक्वेशन है,
बहुत ज़रूरी बात है कि इस टाइम पर आप वीडियो पॉज कर दो और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। ऑनेस्टली करोगे तो 50% तो सॉल्व कर ही दोगे और देर इज़ अ चांस कि 100% भी खुद से ही निकाल दो, विच विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। दोनों फोर्सेस बना रहा हूँ, N1 N2 पहले, उसके बाद इस रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स MG इसके सेंटर ऑफ मास पे बना रहा हूँ, और उसके बाद ये जो लड़का खड़ा है ये यहाँ से L/3 डिस्टेंस पर है, ठीक है, लगभग यहाँ पर आएगा, इसका वेट है 2 mg, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस, सारे फोर्सेस बना दिए मतलब मैंने सिस्टम पर, ठीक है, N1 N2 और दोनों ग्रेविटी। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको बस ये करना है कि इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी है और नेट टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। खुद से ट्राई कर सकते हो, क्या करना है, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई कहीं कूद नहीं रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, कैलकुलेट N1 एंड N2। नेट फोर्स अगर जीरो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो की क्या इक्वेशन बनेगी, ऊपर के फोर्सेस N1 प्लस N2 बराबर नीचे के फोर्सेस 2 mg प्लस mg, कितना आया, N1 प्लस N2 बराबर 3 mg। बोलते सर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। दूसरा स्टेप ज़रूरी है, नेट फोर्स तो आप लोगों को पहले भी करना आता था जीरो, नेट टॉर्क जीरो करना ज़रूरी है। नेट टॉर्क क्या है, टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। इस बार एक चीज सोचनी है कि सर अभी तक तो हर बार आप हिंज के अबाउट कर देते थे, इस बार नेट टॉर्क आप किस पॉइंट के अबाउट लिखोगे। तो मैं क्वेश्चन ये तुमसे पलट के बोल रहा हूं, चार पॉइंट्स हैं, चार फोर्सेस हैं, A B C D, एंड आई एम गिविंग यू द चॉइस, आप जिसके भी अबाउट नेट टॉर्क जीरो लिखोगे आपका आंसर ठीक आएगा। इफ समथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क विल बी जीरो ऑन इट अबाउट एनी पॉइंट। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो है, किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो। तो A B C D में से किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आए तो हिंज के अबाउट करो, और समझ में नहीं आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट करो। ये दो बहुत ही सेफ ऑप्शन है, गलती नहीं करोगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लें, अभी तक हर बार हिंज के अबाउट किए थे, इस बार हम किसके अबाउट करेंगे, नेट टॉर्क जीरो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर चीज इक्विलिब्रियम में है तो किसी के अबाउट भी टॉर्क जीरो आना चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आना चाहिए। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो करना है। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बच्चों मैं बार बार अलग अलग फिगर नहीं बनाना चाहता क्योंकि आपके पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस N2 का टॉर्क किस तरफ है, सब कुछ भूल जाओ, बाकी सारे फोर्सेस भूल जाओ, सिर्फ सोचो ये रॉड है और ये N2 है, ठीक है, सिर्फ रॉड है और ये फोर्स है, ये रॉड है सेंटर पर हिंज्ड है और ये फोर्स है N2, किस तरफ रोटेट करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहीं पे लिख दो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है तो इसका टॉर्क जीरो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2 mg का टॉर्क मतलब लड़के के वेट का टॉर्क, तो लड़के का वेट इसको इस तरफ प्रेस करेगा नीचे की तरफ, किधर जाएगी, नीचे जाएगा, ये एंड नीचे जाएगा तो ये एंड ऊपर जाएगा। अगर ये एंड नीचे गया और ये एंड ऊपर गया तो कैसा आया टॉर्क बच्चों, ये नीचे ये ऊपर, अच्छे से सोच लो, ठीक है, बना ही देता हूँ यार, ये नीचे ये ऊपर, कैसा गया, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब हटाना पड़ेगा क्योंकि सारे फोर्सेस के लिए बात करनी है ना, तो तुम अलग फिगर में बना सकते हो अगर चाहो तो। और अब N1 का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बाकी सब फोर्सेस को भूल जाओ, N1 लग रहा है और सेंटर ऑफ मास पर हिंज्ड है, हिंज्ड है और N1 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, कैसे घूमेगी रॉड, इधर से ऊपर उठेगी और घूम के नीचे आएगी, तो इसका टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबका टॉर्क की डायरेक्शन लिख दी मैंने, अब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वेट करना है। क्लॉकवाइज सिर्फ N1 का है और N1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है L/2,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज N2 का है, N2 की डिस्टेंस है L/2। एंटी क्लॉकवाइज लड़के के वेट का है और उसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, पर अपन निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस चाहिए सेंटर ऑफ मास की, ये L/3 है, ये एक्स निकालना है और ये कितना है L/3, और टोटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की एंड पॉइंट से होती है L/2, तो एक्स हो गया L/2 माइनस L/3। ये ध्यान रखना, ये L/6 बहुतों को डुबोता है, ठीक है। तो 2mg इंटू L/6, सारा सबका टॉर्क लिख दिया, दो इक्वेशन दो अनोन सॉल्व हो जाने चाहिए। N1 इज इक्वल्स टू N2, ठीक है, 2 से 2 काटा इधर 3 बच गया, प्लस 2mg/3। N1 की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करने से सॉल्व हो जाएगा। N1 की वैल्यू उठा के उधर पुट करी, N2 प्लस 2mg/3 प्लस N2 बराबर 3mg, 2N2 इज इक्वल्स टू, बच्चों मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 3 3 9 माइनस 2 7mg/3 आएगा और N2 की वैल्यू आई 7mg/6 और N1 की वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस, तो 4 प्लस 7 होता है 11mg/6। मैंने कैसे ऐड किया, हो सकता है कैलकुलेशन तुम खुद से करोगे तो सीख जाओगे कि सर ने कैसे किया, ठीक है। तो खुद से करो, इतनी कैलकुलेशन तुमको वैसे भी आनी चाहिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आया सबको, ठीक है। इस पर सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो वाला जिसमें एक लैडर रखी होती है एक दीवार से अगेंस्ट और उसमें टॉर्क बैलेंस करना होता है, इसके बाद वही वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो पहले। ओके बच्चों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं एक होमवर्क में भी दूंगा आपको, और इसमें क्या है, एक दीवार के अगेंस्ट एक लैडर टिकाया हुआ है, ठीक है। दीवार के अगेंस्ट एक लैडर टिकाया हुआ है और लैडर जमीन पे जहां रखा है वहां पर पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। चलो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, और फिर पूछा है कैलकुलेट मिनिमम एंगल थीटा एट विच कैन द लैडर रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए कि अगर एक दीवार और एक जमीन के बीच एक लैडर रखते हैं, ठीक है, अगर 2D में देखें तो लैडर बस ऐसी दिखाई देगी, अगर सारी सरफेसेस स्मूथ हैं तो ये लैडर कभी भी रुकेगा नहीं। अगर ये स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है, तो ये हमेशा स्लिप कर जाएगी। कैसे स्लिप करेगी बच्चों, ये एंड पीछे चला जाएगा और ये एंड नीचे आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है आपको कि अगर जमीन बहुत ज्यादा स्मूथ है तो लैडर जब भी रखोगे तो वो हमेशा नीचे वाला एंड स्लिप कर जाएगा। क्यों स्लिप कर रहा है, क्योंकि बच्चों दीवार से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड और कोई फोर्स नहीं है राइट साइड। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लगती है ग्रेविटी और नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर ग्राउंड स्मूथ है तो ऊपर की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स है, पीछे की तरफ फोर्स है, आगे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो ये स्लिप कर जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। हमको इसे स्लिप करने से बचाना है, तो कब बचा सकते हैं, जब ये स्मूथ ना हो, कैसा हो, रफ हो। अगर ये टेरेन रफ है तो फिर स्लिपिंग रोकी जा सकती है। कैसे रोकी जा सकती है, देखो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सरफेसेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और अगर ये रफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे, टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स राइट। ओके, नॉर्मल नॉर्मल ग्रेविटी फ्रिक्शन, समझ में आ गई बात। तो इस केस में अब ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इक्विलिब्रियम मैनेज हो जाए, पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम मैनेज करने की। तो हम दो इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स जीरो, इस बार एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को जीरो अलग करना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को अलग जीरो करना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो आसान रहेगा, नहीं तो वेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, वेक्टर्स लिखना इज नॉट अ गुड आइडिया। बच्चों बताओ वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे में कौन सा फोर्स किसके बराबर होगा इक्विलिब्रियम के, तुम बोलोगे सर ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, सही बात है। और अगर x डायरेक्शन में भी, भाई इक्विलिब्रियम है तो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, x डायरेक्शन में भी फोर्सेस जीरो है तो
तो तुम बोलोगे सर आगे का फोर्स फ्रिक्शन बराबर पीछे का फोर्स एन टू। समझ में आ गई बात? तो ये दो क्वेश्चन आ गई हमारी नेट फोर्स से। लेकिन अब हमें पता है कि रोटेशन हमने पढ़ लिया है तो नेट टॉर्क भी जीरो करना है। और नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो किया जाता है? किसी एक पॉइंट के अबाउट। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट लो? पॉइंट ऑप्शंस हैं सेंटर ऑफ मास, पॉइंट नीचे वाला कॉन्टैक्ट ए, ऊपर वाला कॉन्टैक्ट बी और सेंटर ऑफ मास सी। किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं? द गुड थिंग इज किसी के अबाउट भी करें आंसर सही आएगा। पर द इंटेलिजेंट थिंग विल बी टू पुट नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो। बोले सर अभी तो अभी तक आपने बोला था या तो बॉडी हिंज दिख रही है तो हिंज के अबाउट करेंगे या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे। अब आप पॉइंट ए के अबाउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब मुझे ये दिख रहा है कि ए से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं एन वन और फ्रिक्शन। दोनों फोर्सेस पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, एन1 भी और फ्रिक्शन भी। तो अगर ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो दो फोर्सेस का टॉर्क तो एज इट इज जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैं नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो करूंगा। ए के अबाउट मैं क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल लिखूंगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस बार उतनी आसान नहीं है कहानी, क्योंकि अभी तक तो फोर्सेस जो होते थे परपेंडिकुलर होते थे ए पॉइंट के अबाउट। इन दोनों का तो टॉर्क लिखना ही नहीं है तो इनकी तो बात ही ना की जाए। तो अच्छा है फ्रिक्शन और नॉर्मल, ठीक है, ये तो बेचारों का दोनों का टॉर्क जीरो ही हो गया ए पॉइंट के अबाउट, ए से ही पास कर रहे हैं ये। पर एम जी का टॉर्क आएगा, किस तरफ घुमाएगा ग्रेविटी इसको? अगर यहां पर हिंज और एम जी नीचे लग रहा है तो कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। एम जी के बच्चों दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये आएगा एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट निकालना सीखो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये वापस से थीटा, तो ये आएगा एम जी कॉस थीटा और ये आएगा एम जी साइन थीटा। जब भी आपने किसी फोर्स के कंपोनेंट बना दिए तो उस फोर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूं, उसको मत सोचो। अब कंपोनेंट के बारे में सोचो, कौन सा कंपोनेंट रोटेट करेगा? जो उस पॉइंट की तरफ लग रहा है या जो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। अगर आप रॉड को यहां हिंच कर रखा है, हिंच की तरफ फोर्स लगाओगे तो रोटेट होगा या परपेंडिकुलर लगाओगे तो रोटेट। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये वाला फोर्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स है, ये तो एक्सिस की उसी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये तो रोटेट नहीं करेगा। तो ये रोटेट नहीं करेगा, कौन रोटेट करेगा? एम जी कॉस थीटा। तो टॉर्क एम जी का कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज। और कितना होगा? एम जी कॉस थीटा इंटू परपेंड इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगी एल बाई। ठीक है सर, हमने तो कुछ और सीखा था, हमने फॉर्मूला सीखा था एम जी आर साइन थीटा। तो उसमें ध्यान रखना, अगर ये आर वेक्टर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि थीटा कौन सा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा ऑलरेडी गिवन है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, जो भी फोर्स टॉर्क लगा रहा है उसके दो कंपोनेंट कर लो, एक अलोंग द पोजिशन वैक्टर और एक परपेंडिकुलर टू इट, और परपेंडिकुलर वाला ही रोटेट करेगा। जब हमने पहली बार फॉर्मूला डिराइव करा था ना, तभी हमने इस फोर्स के दो कंपोनेंट किए थे, एक इस तरफ, और इस वाले कंपोनेंट ने बॉडी को रोटेट किया था। ठीक है, तो उस चीज को सीखो कि जो मेन फॉर्मूला है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, इसमें ये इस वाला थीटा और ये वाला थीटा हमेशा सेम होना जरूरी नहीं है। तो इसको सिंपल टर्म्स में आप एफ साइन थीटा इंटू आर लिख सकते हो, और इसको और सिंपल टर्म में लिख सकते हो एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू आर। तो बच्चों टॉर्क का हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ना कि फोर्स इंटू आर इंटू साइन थीटा। परपेंडिकुलर फोर्स यहां पर कौन सा है? एम जी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, अच्छा दूसरा फोर्स कौन सा था? दूसरा फोर्स जिसका टॉर्क आएगा वो आएगा एन टू।
ठीक है, ये थीटा, तो ये थीटा, तो एन टू का इस तरफ कंपोनेंट होगा एन टू कॉस थीटा और इस तरफ होगा एन टू साइन थीटा। यहां पर जिस फोर्स के कंपोनेंट कर दिए उसको जीरो मार्क कर दो। अब इन दोनों में से ये टॉर्क नहीं लगाएगा, ये टॉर्क लगाएगा। तो एन टू का टॉर्क कौन सा कंपोनेंट लगाएगा, एन टू साइन थीटा इन टू डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है एल। दो इक्वेशन दो अनोन, फटाफट एन टू की वैल्यू निकल जाएगी। एन टू इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एन टू की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, एन टू रिप्लेस करके हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एन टू की वैल्यू है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन। कौन सा नॉर्मल, इस पॉइंट पे लगने वाला नॉर्मल, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन। ओके, तो फ्रिक्शन को म्यू एन वन पुट किया, इस पॉइंट पर नॉर्मल कितना है एन वन, तो फ्रिक्शन को एन म्यू एन वन पुट किया और एन वन को पुट कर देंगे हम एम जी। ठीक है, तो एन वन को पुट कर दिया एम जी, तो ये हो गया म्यू एम जी। एन टू की वैल्यू निकल गई म्यू एम जी, एन टू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी क्योंकि मुझे एन टू नहीं निकालना था, मुझे म्यू और थीटा के बीच रिलेशन निकालना है। साइन थीटा इन टू एल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा इन टू एल बाई टू, सब चीज़ें कट जाएंगी, साइन थीटा उधर जाएगा तो बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टू म्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई टू म्यू। हो सकता है कभी कभी टैन थीटा पूछते हैं, तो टैन थीटा पूछते हैं तो टैन थीटा की वैल्यू आती वन बाई टू म्यू। तो इसमें से या इसमें से कोई एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, वही मार्क करना है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना इसको, कोई मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया टुवर्ड द एंड में। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया हो कि हमने टॉर्क कैसे लिखा, और नहीं तो क्वेश्चंस पे तो और वीडियोस मैं बनाते ही रहूँगा। ठीक है, टेक केयर।